विधानसभा चुनाव की तारीखों ने जहां हरियाणा की राजनीति में तहलका मचा दिया है, वहीं राजनीतिक धुरंधर चुनाव से पहले अपने दावों से जनता को खुश करने में लगे हुए हैं। इसी खुश करने की कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन करने वाले जिन 750 किसानों की मृत्यु हुई है, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उन्हें न केवल शहीद का दर्जा दिया जाएगा बल्कि उनके परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। आपको बता दें, रणदीप सुरजेवाला कैथल जिले के कलायत हलके के गांव मटौर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस जनसभा का आयोजन हरियाणा किसान कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मवीर कोलेखा की ओर से किया गया था। जनसभा में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर में मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव लाया गया, जिस पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश भर के किसानों ने भाजपा सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया। इस दौरान केंद्र सरकार ने आंदोलन किसानों को फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर गारंटी के साथ करने का भी भरोसा दिलाया, जिसके लिए कानून बनाया जाना था, लेकिन केंद्र सरकार किसानों से किया गया यह वादा पूरा करने में असफल रही है। देश भर के किसान आज भी MSP की गारंटी मांग रहे हैं, जो कि PM मोदी, मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी पूरी नहीं कर रहे हैं। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि एक महीने बाद हरियाणा में लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सत्ता संभालने के 30 दिनों के भीतर सभी 750 किसानों को शहीद घोषित कर दिया जाएगा, साथ ही उनके परिजनों को नौकरी भी मिलेगी। जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, संसद में पहला कानून MSP के लिए कानूनी गारंटी होगा। साथ ही सुरजेवाला ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाती है तो बेरोजगारी से प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा। सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने के अलावा निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। 750 किसानों की शहादत हुई, कोई ऐसा दिन नहीं था जब एक गरीब मजदूर की या किसान की लाश किसी ना किसी हरियाणा के गांव में वापस नहीं आती थी शहीद होकर, किसी ना किसी बहन का सिंदूर नहीं मिटता था, किसी ना किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया नहीं उठता था। एक महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, सरकार बनने के 30 दिन के अंदर 750 के 750 साथियों को शहीद का दर्जा भी दिलवाएंगे और परिवार के एक आदमी को नौकरी भी लगा। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।